हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको वो वाली डेफिनेशंस नहीं देना चाहता जो ऑलरेडी बुक्स के अंदर मेंशनड है और हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, बल्कि उन एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं जो डेली बेसिस पे आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन कहां से हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो पहला कंप्यूटर बना, उस कंप्यूटर का बेसिक पर्पज था जर्मन कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए। और इस कंप्यूटर को बिल्ड करने में एलन ट्यूरिंग का बहुत मेजर रोल था। और 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ही एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसकी हेडिंग थी कैन मशीन्स थिंक, मतलब क्या मशीन सोच सकती हैं। और इसी क्वेश्चन का आंसर स्टिल हम फाइंड कर रहे हैं। और हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोचे और ह्यूमन की तरह काम करे, मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम्स हम बनाना चाहते हैं। और ये इंटेलिजेंट मशीन्स के ऊपर ही हमारा फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जैसे अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूं तो हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और उस स्मार्टफोन में बड़ा ही एक मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी, एलेक्सा। इसमें हम करते क्या, हम कोई भी अपनी क्वेरी जो है वो टाइप भी करने की जरूरत नहीं, आप बोल के अपनी क्वेरी डाल सकते हो और आपकी क्वेरी जो आप बोल रहे हो अपनी लैंग्वेज में उसको वो कन्वर्ट कर रहा है एनएलपी के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, और फिर उसका आंसर भी फाइंड आउट करके दे रहा है। और गूगल जो है वो कोई गीगाबाइट से टेराबाइट्स में डेटा को हैंडल नहीं कर रहा, वो एक्साबाइट्स पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा हैंडल कर रहा है। तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में आपकी छोटी सी क्वेरी विद इन द सेकंड, विद इन द मिली सेकंड कैसे बाहर आ रही है, ये इसके पीछे क्या काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहां पे देना चाहता हूं स्मार्ट कार्स का, स्मार्ट कार्स या स्मार्ट होम्स का, तो टेस्ला कंपनी ने स्मार्ट कार्स बनाई है ड्राइवरलेस। उसमें है कि आप सिंपली बैठो, यूएस में ऑलरेडी मोर देन 50,000 कार्स जो है वो रन कर रही है, तो आप उसमें बैठो, डेस्टिनेशन डालो, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ के आएगी। कैसे रेस देनी है, कैसे ब्रेक लगानी है, ऑब्स्टेकल आई तो कहां पे रुकना है, कैसे रुकना है, ये आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत, ना किसी ड्राइवर की जरूरत, वो ऑटोमेटिकली ये चीज अपने एंड पे कर रही है। तो मतलब कर कैसे रही है, जैसे ह्यूमन बींग कार चला रहा है, तो कार चलाते टाइम हम बहुत चीजें सोचते हैं अपने माइंड में, फ्यूचर का भी ध्यान में रखते हैं कि आगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कुछ अगर हमें याद है कि ये हो सकता है वो प्रॉपर पुल बना नहीं हुआ या वो रोड खराब है, हमारे माइंड में ये चीज है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि मशीन भी अपने माइंड में ऑलरेडी चीजें रखे, लर्न करे, परसेप्ट करे और उसकी बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करे। मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन कोई चीजों को सोच के लर्न करके एक डिसीजन लेता है, वही हम चाहते हैं कि मशीन्स अब क्या करें, डिसीजन मेकिंग पावर हम मशीन्स में डालना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा, हम एक चाहते हैं कि मशीन्स खुद से डिसीजन लें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं पे काम कर रही है, वो ह्यूमन और रोबोट्स के बीच में जो ये बैरियर है इंटेलिजेंस का, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो इसके पीछे बहुत सारे जो लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, रीजनिंग एल्गोरिदम्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। आप अगर एक सिंपल से एग्जांपल मैं और देना चाहता हूं यहां पे नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स में करते क्या हम, या यूट्यूब का एग्जांपल देना चाहता हूं, तो रिकमेंडेशंस जो है आपको आती है आपके बिहेवियर के ऊपर, मतलब आप सोशल मीडिया पे कैसे काम कर रहे हो, आप क्या लाइक करते हो क्या डिसलाइक करते हो, उसके बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। ये चीज क्या है, बैक एंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पूरा का पूरा एनालाइज कर रही है और एनालाइज करके वो आपके डिसीजन जो है उनके ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर एआई के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं और आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स से एक पर्सन है और उस बंदे ने पिज्जा ऑर्डर करना है, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन पे उसने कस्टमर आईडी डाली और उसके पास पिज्जा के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब वहां पे वेजिटेबल पिज्जाज हैं, नॉन वेज पिज्जाज हैं, ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें उसने चीज बर्स्ट को सिलेक्ट किया। जैसे ही उसने चीज बर्स्ट की ऑप्शन सिलेक्ट की, तुरंत उसको वहां पे एक वार्निंग आ गई कि योर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इज हाई। अब ये कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हाई कैसे है, मतलब उसके पास कैसे आई ये इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि मोबाइल नंबर के थ्रू ये जो कस्टमर आईडी है, और हो सकता है कोई और जो मेडिकल उसने बिल करवाया हो या किसी ने मेडिकल ऑनलाइन उसकी वैल्यूज डाली हो, तो वहां से वो लिंक करके ऑटोमेटिकली डेटा उठा रहा है। उस बंदे को भी नहीं पता कि उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू अभी हाई चल रही है लो चल रही है, लेकिन साथ के साथ उसको मैसेज आ गया कि योर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इज हाई, तो आप ये पिज्जा मत ऑर्डर करो। लेकिन उसने क्या किया, इग्नोर किया और पिज्जा ऑर्डर कर दिया।
नेक्स्ट टाइम फिर उसने पिज्जा ऑर्डर किया और अब हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ये दिखा रहा है कि आपकी हाई है, और साथ के साथ वैल्यू भी दिखा रहा है बोल्ड अक्षर में कि ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है। स्टिल आप इग्नोर कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो। अगर उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है थर्ड टाइम एक्सपर्ट सिस्टम जो है हमारा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है वो जो चीज बस की ऑप्शन है उसकी आईडी से ही निकाल दे, मतलब चीज बस की ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहां से डीएक्टिवेट हो गई। और ये जो है, ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये कैसे काम हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो रही है। तो हमारा पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट सिस्टम, पूरा का पूरा हमारा सोशल मीडिया, ये सारे के सारे बैकएंड पे आप जितनी भी मेजर कंपनीज के नाम ले लो, ये सारी कंपनीज जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उन्होंने बहुत सारे ऐसी मशीन्स ऑलरेडी बना चुके हैं जो पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम कर रही है। और ह्यूमन बिहेवियर में हम किन टर्म्स को बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग मतलब हमने कुछ लॉजिकल सोचना है, कुछ सेंसिबल सोचना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% से ज्यादा मार्क्स चाहिए, और कोई बंदा है ए और उस ए बंदे के 60% मार्क्स आए, तो आपने यहां से एक लॉजिक निकाल लिया, एक यहां पे रीजनिंग की कि उस बंदे का वो टेस्ट क्वालिफाई हो गया। ये तो हमने किया, हमारे लिए तो ये बहुत ईजी सा फंड है, लेकिन मशीन में भी हम ये रीजनिंग डालना चाहते हैं, लॉजिक डालना चाहते हैं। देन लर्निंग। लर्निंग मतलब जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन जो है वो लर्न करता है, अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखता है और उस चीजों को वो फ्यूचर में यूज करता है, ताकि जो उसने पास्ट में गलती की है, उस पास्ट में जो रिएक्शन किया उसको वो फ्यूचर में ना दोहराए। यही चीज हम चाहते हैं किसके अंदर, मशीन्स के अंदर, कि वो लर्न करे चीजों को और लर्न करके अपने पास स्टोर करे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो उसी सेम सिचुएशन में आए तो सेम रिएक्शन ना हो, कुछ बेटर जो है वो परफॉर्म करे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली हम गेम प्लेइंग कर रहे हैं, ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स, या कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा माइंड जो है काम करता है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि मशीन्स भी अपने एंड पे सोचें और उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करें। देन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी आईज से, अपने ईयर से, नोज से, ये जो इंद्रियां हैं, इनसे क्या करता है, परसेप्ट करता है, और उन चीजों को परसेप्ट करके माइंड में उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन लेता है। यही हम चाहते हैं मशीन्स की, कि मशीन्स परसेप्ट करें। जैसे मैंने टेस्ला कंपनी का एग्जांपल दिया, तो टेस्ला ऑलरेडी एक टेक्निक पे काम कर रहा है, क्या कि अगर उसकी कार ने कुछ परसेप्ट किया कि फ्यूचर में, लेट्स से कि उसकी कार जा रही है और उसने कोई जाम को देखा, मतलब कोई जाम लगा हुआ, उसने परसेप्ट किया, तो परसेप्ट करके वो एक डिसीजन बनाएगी कि आने वाली जो फर्दर कार्स हैं वो उस पर्टिकुलर रोड से ना जाएं। तो ये जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली वो सबको ट्रांसमिट कर देगा, ये वाला मैसेज। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमने कुछ परसेप्ट किया, मशीन ने कुछ परसेप्ट किया, अब वहाँ पे मैनुअली नहीं काम हो रहा कि आपको ये करना चाहिए, नहीं, मशीन खुद से डिसीजन ले रही है और उसके बेसिस पे वो खुद डिसीजन मेकिंग कर रही है। ये एक्चुअल में पूरा फंडा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो आप लोग जो है, एक बेसिक डेफिनेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यही है कि हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह वर्क करे, तो वो इंटेलिजेंट हम कैसे लाएं, इसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा का पूरा डिपेंड करता है। थैंक यू।